पंचकूला के सेक्टर 5 स्थित निक बैंकर्स द्वारा पीजीआई की वैज्ञानिक को खराब केक बेचने और उनके 3 साल के बेटे की सेहत से खिलवाड़ करने का मामला सामने आया है। वहीं खराब केक बेचने पर जिला उपभोक्ता निवारण आयोग ने पंचकूला के सेक्टर 5 स्थित निक बैंकर्स पर 30,000 रुपए का हर्जाना लगाया है। शिकायतकर्ता डॉक्टर अंजू ने बताया कि वह पीजीआई में वैज्ञानिक है। 26 जून 2019 को अपने बेटे के जन्मदिन मनाने के लिए पंचकूला सेक्टर 5 स्थित निक बैंकर्स को केक का ऑर्डर दिया था। 3 जुलाई 2019 को केक लेने के लिए सेक्टर 5 स्थित निक बैंकर्स की दुकान पर गई। उसी दिन उनके परिवार के लोग जन्मदिन मनाने के लिए उनके घर पर एकजुट हुए। केक कटिंग सेरेमनी के दौरान शिकायतकर्ता को और उसके परिजनों को महसूस हुआ कि केक में कलर मिला है। केक को पकड़ने पर उनके हाथों पर लाल निशान पड़ गए। जब वह बच्चों को केक देने लगे तो केक खाने लायक नहीं था। किसी भी मेहमान ने केक नहीं खाया। उस रात केक में मिले रंग की मिलावट दिखने लगी। उनके बेटे को उल्टी होने लगी और वह दर्द से रोने लगा। उनके बेटे को दस्त लग गए। अगले दिन जब वह सुबह डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बताया कि अनहाइजीन फूड खाने से हुई फूड पॉइजनिंग के कारण ऐसा हुआ है। शिकायतकर्ता ने 3 जुलाई 2019 की रात को निक बैंकर्स को इसकी शिकायत की तो उन्होंने अपनी गलती मनाने की बजाय आक्रामक तरीके से दुर्व्यवहार किया। इसके अलावा भी शिकायतकर्ता ने कई बार ईमेल के जरिए निक बैंकर्स को शिकायत की। निक बैंकर्स की तरफ से कोई भी सही जवाब नहीं मिला। शिकायतकर्ता ने मानसिक और आर्थिक नुकसान पहुंचने पर उपभोक्ता आयोग को शिकायत दी थी। उपभोक्ता आयोग ने केक के 3,186 रुपए 9% ब्याज सहित शिकायतकर्ता को लौटाने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही मानसिक और आर्थिक नुकसान के लिए 10,000 रुपए शिकायतकर्ता को देने के आदेश दिए हैं। उपभोक्ता आयोग ने मुआवजे की राशि 45 दिनों के अंदर शिकायतकर्ता और पीजीआई गरीब रोग कल्याण कोष को देने के आदेश दिए हैं। अदालत के आदेशों की पालना न करने पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 71-72 के तहत कार्यवाही करने के आदेश दिए हैं। मैम, जिस तरीके से निक बैंकर्स द्वारा एक खराब केक जो है सब स्टैंडर्ड केक आपके बच्चे के जन्मदिन पर दिया गया था, उसको लेकर एक आपने लंबी लड़ाई लड़ी और कहीं ना कहीं उपभोक्ता निवारण आयोग जो है उसने दोषी मानते हुए 30,000 रुपए का जुर्माना निक बैंकर्स पे लगाया, क्या पूरा मामला है ये? देखिए, 29 जून 2019 को मैंने केक ऑर्डर किया था और वो प्रीपेड केक था और 3 जुलाई को मेरे बेटे का बर्थडे था। जब मैं केक लेने वहाँ पहुँची, मुझे पहले ही लाल रंग का केक जो है वो क्रीम पे फैला हुआ दिखा। मैंने ये शिकायत भी की पर उन्होंने कहा कि मैम ये कलर ऐसा ब्राइट है वाइट के ऊपर तो ऐसा लगता है। मैंने सोचा शायद ये ठीक कह रहे हैं, मैं वो केक लेकर अपने घर गई। लेकिन उसने मैं सेरेमनी पे मैं अपने बच्चे को जब वो केक खिलाया तो मेरे बेटे के सारे होंठ लाल हो गए, हमारे हाथ लाल हो गए। एंड आई कॉल्ड देम कि ये केक साबुन से भी वो कलर नहीं उतरा और उस कलर ने एक्चुअली अपना रंग 2-3 घंटे के बाद दिखाया। मेरा बेटा बहुत ही ज़्यादा पेट में दर्द की वजह से रो रहा था और उसको उल्टियाँ दस्त लग गए। हम रातों रात उसको लेकर गए और डॉक्टर्स ने कंफर्म किया कि वो फूड पॉइजनिंग की वजह से ऐसा हुआ है। हम उसको लेकर वापस आए दवाइयों के साथ। हमने निक बैंकर्स को शिकायत की, बहुत ही एरोगेंट तरीके से उन्होंने कहा कि हम बहुत ही अच्छी क्वालिटी के केक्स प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं हर केक में और आपने ही शायद स्टोरेज में प्रॉब्लम क्रिएट की है। मैम, हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है, आपको जो भी करना है कर लीजिए। हमने उनको ईमेल भी लिखी जिसका उन्होंने रिप्लाई 2 दिन के बाद किया। हमने ट्विटर पे भी उनको ट्राई किया बट नोबडी हैज़ कंटेक्टेड अस। और जब मेरे बेटे को काफ़ी दिन तक प्रॉब्लम रही, उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि अपनी मुंह मांगी दाम से अपनी क्वालिटी की अश्योरेंस देने के बावजूद भी थर्ड क्लास प्रोडक्ट प्रोवाइड करना और कस्टमर से बदतमीजी और एरोगेंस दिखाना इस तरीके से नहीं चलेगा और आप बच्चे की सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। मेरा बच्चा 3 साल का था और वो बहुत दिन तक बीमार रहा, इसलिए मैंने सोचा ये लड़ाई मुझे सिर्फ अपने बच्चे के लिए नहीं, नो चाइल्ड नीड्स टू बी पनिश्ड और टू बी इन द पेन फॉर द सेलिब्रेशन ऑफ द हिज बर्थडे। हर सेलिब्रेशन का पार्ट बन गया है कि और हर माँ बाप अपने बच्चे के लिए बेस्ट देना चाहता है, इसीलिए मैंने बेकर्स के पास आई वरना और बेकरीज भी हैं बिकॉज दे अश्योर द क्वालिटी। देन आई डिसाइडेड दैट दिस मे बी अ लॉन्ग फाइट, लेकिन मुझे ये फाइट सभी मदर्स के लिए और सभी ट्राई सिटी के सिटीजन्स के लिए लड़नी ही होगी। हाउ मच आई हैव टू गो थ्रू,
एक इंटरनेशनल ब्रांड है निक बेकर्स, और उसके बावजूद उन्होंने इस तरह का जो ये वाक्या हुआ है, ना केवल उन्होंने खराब केक दिया बल्कि उसे फिर स्वीकारने या अपोलोजेटिक होने के बजाय आपके साथ गलत तरीके से दुर्व्यवहार भी किया, तो आपने अथॉरिटीज को कोई लेटर या ईमेल या इस मामले में शिकायत की इनसे, हायर अथॉरिटी को? जी हाँ बिल्कुल, देखिए इंटरनेशनल लेवल है, इनके बहुत आउटलेट्स हैं, अगर आप इनका टैगलाइन भी पढ़ें तो इट इज़ रिटन निक बेकर्स अ बेकरी रन बाय प्रोफेशनल बेकर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। सो मुझे मैंने इनको ईमेल से भी कंटैक्ट किया, ईमेल में भी इन्होंने 2 दिन के बाद हमें जवाब दिया और उस जवाब में भी यही लिखा कि आर इंग्रेडिएंट्स आर ऑफ सुपीरियर क्वालिटी एंड दे आर पास बाय FSSAI, so they didn't apologize, और बल्कि उन्होंने ये सारी गलती मुझ पर ही डाल दी कि आई डोंट नो कि केक को कैसे स्टोर करते हैं। सो लेकिन आई थिंक मेरे पास इन्होंने और कोई रास्ता नहीं छोड़ा था, इसलिए मैं अपने राइट के लिए आई वेंट टू द कंज्यूमर कोर्ट। आप हाईली क्वालिफाइड और हाईली रेपुटेटेड एक महिला हैं, पीजीआई में बताओ साइंटिस्ट आप हैं, आपको भी संघर्ष करना पड़ा न्याय पाने के लिए और आवाज़ उठाने के लिए ताकि किसी और बच्चे को, किसी और माँ को एक दिन देखना ना पड़े। बात करें उपभोक्ता निवारण आयोग की, तो उन्होंने किस तरह का जुर्माना लगाया, किस तरह की सजा या क्या कुछ कहा? उन्होंने कहा कि बिल्कुल इनका जो केक था वो सब स्टैंडर्ड था, ये कोई एविडेंस प्रोवाइड नहीं कर पाए टू शो कि ये लोग सुपीरियर क्वालिटी के कलर, फूड कलर यूज़ करते हैं, और इनके पास कोई जवाब नहीं था ये बताने के लिए कि वो केक इन्होंने अच्छी क्वालिटी के साथ बनाया गया था। और कंज्यूमर कोर्ट ने जो फैसला दिया, उन्होंने कहा कि इस तरीके से मैल फंक्शनिंग बिजनेस, आप सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स देके हाई क्वालिटी इंश्योरेंस और अपनी मर्जी का मनचाहा पैसा लेके आप कंज्यूमर को ठग नहीं सकते, इट इज़ रिटन इट इज़ अ मैल प्रैक्टिस दे आर डूइंग। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।